भी विजिट किया है, तो वो सीधा बिहार बोर्ड के ऊपर कंप्लेन कर देते हैं कि बोर्ड ऑफिस से गड़बड़ी होता है। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है कि बोर्ड ऑफिस से गड़बड़ी होता है, ये गड़बड़ी कॉलेज से ही होता है। टिकट काट लेने के लिए आपको पटना अगर बोला जाए कि जाके वहाँ देख लीजिए, कंप्लेन कीजिए, तो आप ये बात बोलिएगा कि सारा काम करने के लिए हमारा कॉलेज है, और हमारा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए हम बिहार बोर्ड के मेन बोर्ड ऑफिस में जाएंगे। जो भी करना है कॉलेज से करना है, अगर आप कॉलेज से नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कंप्लेन है। क्या आपके भी प्रैक्टिकल एग्जाम का जो है एडमिट कार्ड आपको नहीं मिला है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम का अभी तक एडमिट कार्ड उनको कॉलेज के द्वारा नहीं दिया गया है। बहुत सारे बच्चे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर रहे हैं, वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ वैलिड नहीं माना जाएगा। साथ में जिन बच्चों को कॉलेज से उनका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उन बच्चों को जो है एडमिट कार्ड कैसे प्रोवाइड होगा, वो सारी बातें करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आपका एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल का नहीं दिया गया है तो गाइज़ ये जो है एक आप लोगों के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है, और इस पे आपको जितना जल्द से जल्द हो सके एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप अभी वेट कर लेते हैं, रुक जाते हैं एडमिट कार्ड के वेट में, इंतज़ार में, तो फिर आपका फाइनल एडमिट कार्ड भी इशू नहीं किया जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया है, 12th वाले का, मतलब इंटरमीडिएट वाले का, मैट्रिक वाले का तो नहीं होता है, इंटरमीडिएट वाले का होता है, तो अगर आपका नहीं हुआ है प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड इशू, या फिर आपके कॉलेज से नहीं मिल रहा है, या फिर वेबसाइट से अगर आप लोग सर्च करें तो वहाँ पे अगर आपका डाटा शो नहीं कर रहा है, तो फिर आपको जो है जितना जल्द से जल्द हो सके अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाना है, और उनको सारी बातें बतानी है आपको कि आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है। 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आप लोग को एग्ज़ाम देने का टाइम है। इस बीच में प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड अगर किसी भी वजह से बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर शो नहीं कर रहा है, तो कॉलेज में वो जो है एडमिट कार्ड आना है और आएगा। अगर आपके कॉलेज में भी नहीं आया है, तो फिर आप वहाँ पे एक कंप्लेन कीजिए अपने प्रिंसिपल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, कि हमारा जो है प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं आया है। अब स्कूल के प्रिंसिपल ये भी बोलेंगे कि ये बिहार बोर्ड की गलती है, तो बिहार बोर्ड की गलती है तो आप मेन बोर्ड ऑफिस पटना तो जाइएगा नहीं उसको लेकर, प्रॉब्लम को लेके। आपका तो कॉलेज में एडमिशन है, और बाय कॉलेज ही आपको सारा चीज़ प्रोवाइड किया गया है अभी तक। जितना भी आपने एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम फॉर्म ये सभी किया है, वो सभी तो कॉलेज से ही किया है। आप तो एडमिट कार्ड लेने के लिए आपको पटना अगर बोला जाए कि जाके वहाँ देख लीजिए, कंप्लेन कीजिए, तो आप ये बात बोलिएगा कि सारा काम करने के लिए हमारा कॉलेज है, और हमारा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए हम बिहार बोर्ड के मेन बोर्ड ऑफिस में जाएंगे। जो भी करना है कॉलेज से करना है, अगर आप कॉलेज से नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कंप्लेन है, और रिटर्न एक कंप्लेन वहाँ पे भी दीजिए, और दूसरा रिटर्न अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो मेन बोर्ड ऑफिस को भी जाएगा, क्योंकि इसमें गलती होती है कॉलेज वाले की ही। बिहार बोर्ड जो है बच्चे का डाटा मिस नहीं करता है, जो कॉलेज के स्टूडेंट सॉरी जो कॉलेज के टीचर होते हैं, जो जितना डॉक्यूमेंट देते हैं उन्हीं सभी बच्चों का होता है, और जिनका डॉक्यूमेंट कॉलेज से निकल गया उसका 110% जो है सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, होता है उसी में। कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है बिहार बोर्ड के ऑफिस तक नहीं पहुँचा होगा। तो आप लोगों को करना क्या है कॉलेज में, क्योंकि सबसे पहला स्टेप कॉलेज ही है, कॉलेज से ही आप सारा काम करवाते हैं। तो कॉलेज जितने बच्चे का लिस्ट भेजेगा बिहार बोर्ड, उतने ही बच्चे का जो है डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड जो होता है वो जारी करेगा। अगर आपका डाटा वहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, तो फिर आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप बात को समझ गए होंगे क्लियर कि गलती किसकी होती है। बिहार बोर्ड को जितने भी प्रिंसिपल वगैरह हैं कॉलेज में, मैंने भी विजिट किया है, तो वो सीधा बिहार बोर्ड के ऊपर कंप्लेन कर देते हैं कि बोर्ड ऑफिस से गड़बड़ी होता है। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है कि बोर्ड ऑफिस से गड़बड़ी होता है, ये गड़बड़ी कॉलेज से ही होता है, और कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं या जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनके, वो जो है होता है कि बाय मिस्टेक कुछ बच्चे का जो है डॉक्यूमेंट्स एंट्री करना भूल जाते हैं, या फिर गलती जो होता है, आप लोग को पता होगा कि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे में नाम गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत, फादर्स नेम गलत, तो वो कैसे होता है, वो बोर्ड ऑफिस नहीं करता, वो कॉलेज का ऑपरेटर जो होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, या फिर जो प्रिंसिपल अगर किसी कैफ़े के माध्यम से करवा रहे हैं तो वहाँ पे जो करता है
उससे गलती होता है, बिहार बोर्ड से नहीं होता है। तो अगर आप लोग के साथ इस तरीके का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आपका नहीं आ रहा है, नहीं मिला है अभी तक, तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके अपने प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, आपका पूरा हक है, इसमें डरने की और कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक साल आपका बर्बाद हो सकता है एक छोटी सी गलती से। तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाइए और सारी बातें मैंने जो बताया है वीडियो में आप ओपनली बोल सकते हैं, ये सारी बात जेन्यून है और आपको इसमें कुछ भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके जा सकते हैं या फिर आपके जो सीनियर भाई बहन हैं जिन्होंने स्टडी किया है उनको साथ में लेके चले जाइए। अगर आपको डर लग रहा है प्रिंसिपल के सामने बोलने में तो किसी के साथ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर आपको उसका सोल्यूशन लेना है कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या जो भी प्रॉब्लम है यह सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला होगा। अदरवाइज कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट क्वेरीज है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल किसी डाउट है आपको, कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।